नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया था वीवो का Y12 मॉडल। इसमें दोस्तों हमने टच व डिस्प्ले लगानी है। देखें, ये हमारा आ गया नया फोल्डर, इसको लगा के चेक करेंगे ओके है या नहीं। ओके दोस्तों, बने रहें वीडियो के साथ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पत्ता लगा दिया है मदरबोर्ड पे। अब इस पे बैटरी लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने बैटरी अच्छे तरीके से लगा दी है, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, चेक करेंगे हमारा फोल्डर ओके है या नहीं ओके। ये देखिए दोस्तों, हमारा फोल्डर ओके है। इसकी टच चेक करेंगे अच्छी तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओके तरीके से वर्क कर रही है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से कीपैड भी वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी पेस्टिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी पहले अच्छी तरह क्लीनिंग कर लेनी है, फिर इस पे पेस्टिंग लगा के माइक और कैमरे और सेंसर का ध्यान रखें, ग्लू कहीं उसके ऊपर ना चली है। ये देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा ली है। अब इस पे फोल्डर लगाएंगे दोस्तों। ध्यान रहे, पहले कैमरे वाले फ्रंट वाले से ही लगाएं, नहीं तो फिर फिटिंग नहीं आती दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओके तरीके से लगा दी है। ये बैटरी लगा दी है, दोबारा फिर चेक कर लेंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है, फिटिंग अच्छी तरीके से ना होने से तो फोल्डर में कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए दोबारा चेक कर लेते हैं दोस्तों। फोन करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा फोल्डर ओके है। अब इस पे ये रबड़ है दोस्तों, ये मार्केट से मिल जाती है, यही यूज़ करें। ये देखिए दोस्तों, इसके चारों तरफ से हमने रबड़ लगा दी है ताकि जो फोल्डर है अच्छी तरह से चिपक जाए। और उसमें कई बार क्या होता है, साइड से लाइट दिखने लग जाती है। इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, बाद में इसकी फिटिंग करें।